यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 16। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 16। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, यरूशलेम को उसके सब घृणित काम जता दे और उससे कह, हे यरूशलेम, प्रभु यहोवा तुझसे यो कहता है, तेरा जन्म और तेरी उत्पत्ति कनानियों के देश से हुई। तेरा पिता जो एमोरी और तेरी माता हित्तिन थी, और तेरा जन्म ऐसे हुआ कि जिस दिन तू जन्मी उस दिन न तेरा नाल न तू शुद्ध होने के लिए धोई गई, न तेरे कुछ लोन मला गया और न तू कुछ कपड़ों में लपेटी गई। किसी की दया दृष्टि तुझ पर नहीं हुई कि इन कामों में से तेरे लिए एक भी काम किया जाता, वरन अपने जन्म के दिन तू घृणित होने के कारण खुले मैदान में फेंक दी गई थी। और जब मैं तेरे पास से होकर निकला और तुझे लोहू से लौटते हुए देखा, तब मैंने तुझसे कहा, हे लोहू में लौटती हुई जीवित रह। हाँ, तुझी से मैंने कहा, हे लोहू में लौटती हुई जीवित रह, कि मैंने तुझे खेत के बिरुले की नाई बढ़ाया और तू बढ़ते बढ़ते बड़ी हो गई और अति सुंदर हो गई। तेरी छातियां सुडोल हुई और तेरे बाल बढ़े, तो भी तू नंगी थी। मैंने फिर तेरे पास से होकर जाते हुए तुझे देखा और अब तू पूरी स्त्री हो गई थी। सो मैंने तुझे अपना वस्त्र उड़ाकर तेरा तन ढाप दिया और सौगंध खाकर तुझसे वाचा बांधी और तू मेरी हो गई। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। तब मैंने तुझे जल से नहलाकर तुझ पर से लोहू धो दिया और तेरी देह पर तेल मला। फिर मैंने तुझे बूटेदार वस्त्र और सुइयों के चमड़े की जूतियां पहनाई और तेरी कमर में सूक्ष्म सन बांधा और तुझे रेशमी कपड़ा ओढ़ाया। तब मैंने तेरा श्रृंगार किया और तेरे हाथों में चूड़ियां और गले में तोड़ा पहनाया। फिर मैंने तेरी नाक में नथ और तेरे कानों में बालियां पहनाई और तेरे सिर पर शोभायमान मुकुट धरा। तेरे आभूषण सोने चांदी के और तेरे वस्त्र सूक्ष्म सन रेशम और बूटेदार कपड़े के बने। फिर तेरा भोजन मैदा मधु और तेल हुआ और तू अत्यंत सुंदर वरन रानी होने के योग्य हो गई और तेरी सुंदरता की कीर्ति अन्य जातियों में फैल गई, क्योंकि उस प्रताप के कारण जो मैंने अपनी ओर से तुझे दिया था तू अत्यंत सुंदर थी। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। परंतु तू अपनी सुंदरता पर भरोसा करके अपनी नामवरी के कारण व्यभिचार करने लगी और सब यात्रियों के संग बहुत कुकर्म किया और जो कोई तुझे चाहता था उसी से मिलती थी। तूने अपने वस्त्र लेकर रंग बिरंग के ऊंचे स्थान बना लिए और उन पर व्यभिचार किया, ऐसे कुकर्म किए जो न कभी हुए और न होंगे। और तूने अपने सुशोभित गहने लेकर जो मेरे दिए हुए सोने चांदी के थे उनसे पुरुषों की मूर्तें बना ली और उनसे भी व्यभिचार करने लगी और अपने बूटेदार वस्त्र लेकर उनको पहनाए और मेरा तेल और मेरा धूप उनके सामने चढ़ाए। और जो भोजन मैंने तुझे दिया था, अर्थात जो मैदा तेल और मधु मैं तुझे खिलाता था, वह सब तूने उनके सामने सुखदायक सुगंध करके रखा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है कि यो ही हुआ। फिर तूने अपने पुत्र पुत्रियां लेकर जिन्हें तूने मेरे लिए जन्म दिया उन मूर्तों को नैवेद्य करके चढ़ाया। क्या तेरा व्यभिचार ऐसी छोटी बात थी कि तूने मेरे लड़के वाले उन मूर्तों के आगे आग में चढ़ाकर घात किए हैं? और तूने अपने सब घृणित कामों में और व्यभिचार करते हुए अपने बचपन के दिनों की कभी सुधी न ली, जबकि तू नंगी अपने लोहू में लौटती थी? और तेरी उस सारी बुराई के पीछे क्या हुआ? प्रभु यहोवा की यह वाणी है, हाय तुझ पर हाय, कि तूने एक गुम्मट बनवा लिया और हर एक चौक में एक ऊंचा स्थान बनवा लिया और
एक एक सड़क के सिरे पर भी तूने अपना ऊंचा स्थान बनवाकर अपनी सुंदरता घृणित करा दी और हरेक यात्री को कुकर्म के लिए बुलाकर महाविभिचारिणी हो गई। तूने अपने पड़ोसी मिस्री लोगों से भी, जो मोटे ताजे हैं, व्यभिचार किया और मुझे क्रोध दिलाने के लिए अपना व्यभिचार बढ़ाती गई। इस कारण मैंने अपना हाथ तेरे विरुद्ध बढ़ाकर तेरा प्रतिदिन का खाना घटा दिया और तेरी बैरिन पलिश्ती स्त्रियां, जो तेरे महापाप की चाल से लजाती है, उनकी इच्छा पर मैंने तुझे छोड़ दिया है। फिर भी तेरी तृष्णा न बुझी, इसलिए तूने अश्शूरी लोगों से भी व्यभिचार किया और उनसे व्यभिचार करने पर भी तेरी तृष्णा न बुझी। फिर तू लेन देन के देश में व्यभिचार करते करते कश्तियों के देश तक पहुंची और वहां भी तेरी तृप्ति न बुझी। प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि तेरा हृदय कैसा चंचल है कि तू ये सब काम करती है जो निर्लज्ज वेश्या ही के काम है। तूने हर एक सड़क के सिरे पर जो अपना गुम्मट और हर एक चौक में अपना ऊंचा स्थान बनवाया है, क्या इसी में तू वेश्या के समान नहीं ठहरी? क्योंकि तू ऐसी कमाई पर हंसती है, तू व्यभिचारिणी पत्नी है, तू पराय पुरुषों को अपने पति की संति ग्रहण करती है। सब वेश्याओं को तो रुपया मिलता है, परंतु तूने अपने सब मित्रों को स्वयं रुपये देकर और उनको लालच दिखाकर बुलाया है कि वे चारों ओर से आकर तुझसे व्यभिचार करें। इस प्रकार तेरा व्यभिचार और व्यभिचारियों से उल्टा है। तेरे पीछे कोई व्यभिचारी नहीं चलता और तू किसी से दाम लेती नहीं, वरन तू ही देती है। इस कारण तू उल्टी ठहरी। इस कारण हे वेश्या, यहोवा का वचन सुन। प्रभु यहोवा यो कहता है कि तूने जो व्यभिचार में अति निर्लज्ज होकर अपनी देह अपने मित्रों को दिखाए और अपनी मूर्तों से घृणित काम किए और अपने लड़के बालों का लोहू बहाकर उन्हें बलि चढ़ाया है, इस कारण देख, मैं तेरे सब मित्रों को, जो तेरे प्रेमी हैं और जितनों ने तुझसे प्रीति लगाई और जितनों से तूने बैर रखा, उन सबों को चारों ओर से तेरे विरुद्ध इकट्ठा करके उनको तेरी देह नंगी करके दिखाऊंगा और वे तेरा तन देखेंगे। तब मैं तुझको ऐसा दंड दूंगा जैसा व्यभिचारिणियों और लोहू बहाने वाली स्त्रियों को दिया जाता है, और क्रोध और जलन के साथ तेरा लोहू बहाऊंगा। इस रीति मैं तुझे उनके वश में कर दूंगा और वे तेरे गुम्मटों को ढा देंगे और तेरे ऊंचे स्थानों को तोड़ देंगे। वे तेरे वस्त्र बरबस उतारेंगे और तेरे सुंदर गहने छीन लेंगे और तुझे नंगा करके छोड़ देंगे। तब तेरे विरुद्ध एक सभा इकट्ठी करके वे तुझको पत्थरवाह करेंगे और अपनी कटारों से वार पार छेदेंगे। तब वे आग लगाकर तेरे घरों को जला देंगे और तुझे बहुत सी स्त्रियों के देखते दंड देंगे, और मैं तेरा व्यभिचार बंद कर दूंगा और तू फिर छिनाल के लिए दाम न देगी। और जब मैं तुझ पर पूरी जलजलाहट प्रकट कर चुकूंगा, तब तुझ पर और न जलूंगा, वरन शांत हो जाऊंगा और फिर न रिसियाऊंगा। तूने जो अपने बचपन के दिन स्मरण नहीं रखे, वरन इन सब बातों के द्वारा मुझे चिढ़ाया, इस कारण मैं तेरा चाल चलन तेरे सिर पर डालूंगा और तू अपने सब पिछले घृणित कामों से और अधिक महापाप न करेगी। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। देख, सब कहावत कहने वाले तेरे विषय यह कहावत कहेंगे कि जैसी माँ वैसी पुत्री। तेरी माँ जो अपने पति और लड़के बालों से घृणा करती थी, तू भी ठीक उसकी पुत्री ठहरी, और तेरी बहनें जो अपने अपने पति और लड़के बालों से घृणा करती थी, तू भी ठीक उनकी बहन निकली। तेरी माता हित्तिन और पिता एमोरी था। तेरी बड़ी बहन शोमरोन है, जो अपनी पुत्रियों समेत तेरी बाई ओर रहती है, और तेरी छोटी बहन जो तेरी दहिनी ओर रहती है, वह पुत्रियों समेत सदोम है। तू उनकी सी चाल नहीं चली और न उनके से घृणित कामों से ही संतुष्ट हुई। यह तो बहुत ही छोटी बात ठहरती, परंतु तेरा सारा चाल चलन
उनसे भी अधिक बिगड़ गया। प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध तेरी बहन सदोम ने अपनी पुत्रियों समेत तेरे और तेरी पुत्रियों के समान काम नहीं किए। देख, तेरी बहन सदोम का अधर्म यह था कि वह अपनी पुत्रियों सहित घमंड करती, पेट भर भर के खाती और सुख चैन से रहती थी और दीन दरिद्र को न संभालती थी। सो वह गर्व करके मेरे सामने घृणित काम करने लगी और यह देखकर मैंने उन्हें दूर कर दिया। फिर शोमरोन ने तेरे पापों के आधे भी पाप नहीं किए, तूने तो उससे बढ़कर घृणित काम किए और अपने घोर घृणित कामों के द्वारा अपनी बहन को जीत लिया। सो तूने जो अपनी बहनों का न्याय किया इस कारण लज्जित हो, क्योंकि तूने उनसे बढ़कर घृणित पाप किया है, इस कारण वे तुझसे कम दोषी ठहरी। सो तू इस बात से लज्जा कर और लजाती रह, क्योंकि तूने अपनी बहनों को कम दोषी ठहराया है, जब मैं उनको अर्थात पुत्रियों सहित सदोम और शोमरोन को बंधुआई से फेर लाऊंगा, तब उनके बीच ही तेरे बंधुओं को भी फेर लाऊंगा, जिससे तू लजाती रहे और अपने सब कामों को देखकर लजाए, क्योंकि तू उनकी शांति ही का कारण हुई है और तेरी बहनें सदोम और शोमरोन अपनी अपनी पुत्रियों समेत अपनी पहली दशा को फिर पहुंचेंगी और तू भी अपनी पुत्रियों सहित अपनी पहली दशा को फिर पहुंचेगी। जब तक तेरी बुराई प्रकट न हुई थी, अर्थात जिस समय तक तू आसपास के लोगों समेत आरामी और पलिश्ती स्त्रियों की जो अब चारों ओर से तुझे तुच्छ जानती है नामधराई करती थी, उन अपने घमंड के दिनों में तो तू अपनी बहन सदोम का नाम भी न लेती थी, परंतु अब तुझको अपने महापाप और घृणित कामों का भार आप ही उठाना पड़ेगा। यहोवा की यह वाणी है। प्रभु यहोवा यह कहता है, मैं तेरे साथ ऐसा ही बर्ताव करूंगा जैसा तूने किया है, क्योंकि तूने तो वाचा तोड़कर शपथ तुच्छ जानी, तो भी मैं तेरे बचपन के दिनों की अपनी वाचा स्मरण करूंगा और तेरे साथ सदा की वाचा बांधूंगा। और जब तू अपनी बहनों अर्थात अपनी बड़ी और छोटी बहनों को ग्रहण करे, तब तू अपना चाल चलन स्मरण करके लज्जित होगी और मैं उन्हें तेरी पुत्रियां ठहराऊंगा, परंतु यह तेरी वाचा के अनुसार न करूंगा। मैं तेरे साथ अपनी वाचा स्थिर करूंगा और तब तू जान लेगी कि मैं यहोवा हूं, जिससे तू स्मरण करके लज्जित हो और लज्जा के मारे फिर कभी मुंह न खोले। यह उस समय होगा जब मैं तेरे सब कामों को ढापूंगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है।